कदम क्या हुआ? अगला कदम कड़ा कर दूंगा सोमवार को। यो काम क्यों रोका गया, किस वजह से रोका गया, किस कारण रोका गया? क्योंकि नेता भी साजबाज हो रहे हैं और नेता एक दूसरे को पटकनी देने के लिए नहीं, कुछ कल काम कर देंगे, ये चेतावनी तक मिली मेरे को। कुछ भी कर देंगे हम, कुछ भी कर देंगे, रेल तोड़े, रेल रोके, कुछ भी हो जाए, सोमवार तक ये सांसद MLA बार बार हमने ज्ञापन दिए इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूँ सत्येंद्र यादव। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ जो आटेली तोबड़ा के अंदर जो अंडरपास की मांग की जा रही थी, इससे पहले भी 174 दिन तक ये लोग धरने पर बैठ चुके हैं, तमाम नेताओं से और अधिकारियों से मिल चुके हैं और तमाम जगहों से इसे सारी बातें होने के बाद में काम शुरू भी हुआ था और फिर काम अचानक बंद हो गया। तमाम जो संघर्ष समिति के नेता जो यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और क्यों ये काम बंद हुआ, किसकी आखिर जिम्मेवारी बनती है। सबसे पहले ठाकुर रतनलाल हमारे साथ में, सर स्वागत है। सर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। तो हम ये कहना चाहते हैं सर, ये जो तोबड़ा का जो अंडरपास है फाटक नंबर 30 पर, 174 दिन तक जो है ना जनसंघर्ष समिति ने आंदोलन चलाया और अनिश्चितकालीन धरना रहा हमारा, तब जा कर के सरकार ने ये कार्य शुरू किया और ब्लॉक काफ़ी दिनों से बने हुए थे, पर जब हमने धरना दिया और 174 दिन तक हम डटे रहे तो रेलवे प्रशासन जगा और उसने ये कार्यक्रम शुरू किया और आधे ब्लॉक डाल दिए और एकदम डालने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने काम अधूरा छोड़ करके और बरसात का बहाना बना करके और 6 महीने हो गए और 6 महीने से हमने विधायक साहब को, सांसद साहब को, रेलवे मंत्री को और जितने DM हैं जयपुर रेंज का और हैं जितना प्रशासन है सबको आगाह कर लिया और 6 महीने में हमें जो है ना वो कहते रहे कि जी 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ और 6 महीना हो गया और अब फिर हमने, क्योंकि अंडरपास बहुत जरूरी है, लोगों में आक्रोश है, लोगों की जरूरत है ये, तो अब हमने 6 तारीख से ये अनिश्चितकालीन धरना पुनः दिया है और सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई या तो इसको तत्काल बढ़ाओ, नहीं इसको हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, रेल रोको आंदोलन तक पहुंचेंगे और इस धरना को बढ़वा करके रहेंगे। धन्यवाद सर। रेल भी रोकी जा सकती है और ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील जो है हो सकता है, ये ठाकुर रतनलाल कह रहे हैं। और हमारे साथ मास्टर सुबे सिंह जी हैं, इनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। सर स्वागत है। मैं मास्टर सुबे सिंह जी, जिला प्रधान AIUTUC और संघर्ष समिति अटेली मंडी। इस सारे मामले में पहले 174 दिन तक आप तमाम लोग यहाँ बैठे रहे, अब किसकी गलती से या किसकी वजह से ये काम रुका है, कहाँ तक आप जान पाए हैं? इसमें हमने बार बार लोकल विधायक, हमारे सांसद जी को, उनको भी अवगत करवाया है, परंतु अभी जो 20 तारीख को तोबड़ा आए थे पिछले महीने की, उन्होंने यही कहा भाई मेरे को तो बताया नहीं किसी ने, जबकि रोज पेपर में निकल रहा है हर 15 दिन में समिति, संघर्ष समिति GM इंडियन रेलवे से जयपुर उनके मुख्यालय में लगातार ज्ञापन दे रही है, लगातार उनसे संपर्क कर रही है, हर बार उनका यह आश्वासन मिलता है कि 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा, परंतु लगातार संपर्क करने के बावजूद कभी केबल का बहाना, एक बार ये भी कहा कि भाई बारिश हो रही है, बरसात रुकते ही हम शुरू करेंगे, तब भी नहीं हो पाया। अभी 4 दिसंबर को संघर्ष समिति के मेंबरान गए थे पीछे, आप 174 दिन तक बैठ चुके हैं धरने पर, अब क्या इरादा है आपका? हम लगातार जब तक ये हमारा अंडरपास का काम नहीं हो जाएगा शुरू दोबारा से, इंडियन रेलवे का जो ब्लॉक डलने के बाद ही, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं राजेंद्र खरब जी हैं, नहीं आप नहीं कर पाओगे सर, नहीं छोड़। जय हिंद भाई जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले जो मोटिव अपना धरना क्यों स्टार्ट किया गया, धरना स्टार्ट करने का मतलब होता है, अगर दोबारा धरना कोई 12 दिन करने के बाद में दोबारा कोई बैठता है? नहीं बैठते ना जी। हमें दोबारा क्यों बैठना पड़ा? इस रेल प्रशासन, इन सांसद, इन MLO को जिस दोबारा बैठना पड़ा हमें,
ये सांसद एमएलए बार बार हमने ज्ञापन दिए इनको, रेल मंत्रालय ज्ञापन दिए हैं और हम जीएम एजीएम उनको ज्ञापन दिए हैं। अगला कदम क्या? अगला कदम कड़ा कर दूंगा सोमवार को। सोमवार से सोमवार तक मेरा बड़ा कुछ होने वाला है, ये भाई कह रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है? थोड़ा कुछ भी कर देंगे हम, कुछ भी कर देंगे। रेल तोड़े, रेल रोके, कुछ भी हो जाए, सोमवार तक काम स्टार्ट हो जाए। नहीं होगा तो अन्यथा बुरा होगा इसका। और प्रशासन हमने पहले इतला कर रखा है, हमारे लिखित में जा रखा है। अभी जो भी होगा प्रशासन जिम्मेवार होगा, हमें हमारी जिम्मेवारी, हमारी कमेटी कोई जिम्मेवार नहीं होगी, जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। क्यों काम नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आपको? आपके अभी मैंने थोड़ा समय पहले मुझे जानकारी मिली कि जैसे आप यहाँ रात भर रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, रात में यहाँ लगभग आप अकेले रहते हैं जी, आपको भी कोई धमकी या कोई पथराव ऐसा कुछ? परसों रात की बात है, 6 तारीख को डरना हमने सुबह स्टार्ट किया था, रात को करीब 3 बजे, 3:30 बजे की बात है, 2:33 की बात है जी। कुछ लोग आए यहाँ, तत्व थे, कैसे थे कैसे नहीं भगवान जाने। दो गाड़ियां ब्लैक कलर की गाड़ियां थी और नंबर प्लेट थी नहीं, नंबर प्लेट नहीं उनके पास में। और मेरे पास पहले तो बोतल फोड़ी गई यहाँ सामने, उसके बाद मेरी आंख खुली तो फिर उन पत्थर और दो अद्दे दो पौवे हमारे पास फेंके गए। मैं बाहर निकले गए, मेरे बोलते जाके सो जा, नहीं कुछ कलदा काम कर देंगे, ये चेतावनी तक मिली मेरे को। तो आपको क्यों ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है इसमें कि चेतावनी किसने दी होगी और क्यों दी होगी? चेतावनी मेरा पर्सनल कोई दुश्मन तो है नहीं, ये सरकार जाने, प्रशासन जाने, ये तो प्रशासन करवा रहा है। तो आपकी जान को खतरा भी है? हाँ, खतरा है, पक्का है खतरा। तो जिला प्रशासन से आपकी बात हुई या कोई शिकायत आपने दी? नहीं, शिकायत हमने हमारे के पुलिस में है, क्या बोलते हैं, सीबीआई में, उनसे हम तुरंत सुबह फोन कर दिया था, भी ऐसे ऐसे हादसा हुआ है मेरे साथ और ये गलत है। लिखित में शिकायत भी दे देते तो और अच्छा रहता। लिखित में धरना दे, लिखित में शिकायत देने जाए, प्रशासन क्यों नहीं आ रहे यहाँ? सबसे बड़ी बात यह है कि 174 दिन तक पहले धरना चला और अब 6 दिसंबर से फिर से ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर है। काम कब होगा और कब नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ जो धरने पर बैठे जो लोग हैं उनकी जान को भी यहाँ खतरा, जो इन साथियों की तरफ से जैसे आरोप है, हालांकि शिकायत इन्होंने कहीं नहीं दी है। और एक बार फिर से ठाकुर रतनलाल जी से जुड़ लेते हैं। सर, क्या कुछ कहोगे अंत में हमारे दर्शकों को और प्रशासन को? सर, हम प्रशासन को और नेताओं को, क्योंकि नेता भी साजबाज हो रहे हैं और नेता एक दूसरे को पटकनी देने के लिए इसको बंद करवा रखा है नेताओं ने, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई तत्काल इसको जो है किया जाए, नहीं तो रेल रोको आंदोलन करेंगे और रेलों को गुजरने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेल रोको अभियान ये चलाने की तैयारी में है, जैसे कि भाई राजेंद्र खरब ने कहा कि 6 दिसंबर से जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और सोमवार को कुछ बड़ा ये कर सकते हैं, सोमवार से पहले यदि यहाँ जो है रेलवे का जो अंडरपास का काम शुरू नहीं हुआ तो सोमवार को ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे साथ दाग सिंह चेयरमैन साहब हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या कुछ कहोगे सर, थोड़े शब्द में, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ आप लंबे ज्यादा चलते हो। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और मैं हमारे जो ठाकुर रतनलाल जी प्रशासन या बहुजन समाज पार्टी के नेता जी और हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी और तमाम साथी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने 6 महीने पहले धरना दिया था उस समय पे जो रेलवे प्रशासन ने आकर के ये काम शुरू किया दिया, उसके बाद में धरना को अन्य जो कमेटी ने अपना समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में और ये काफी 2-3 महीने हो गए हैं, तो यह क्या कारण था जो के रेलवाई प्रशासन ने यो काम क्यों रोका गया, किस वजह से रोका गया, किस कारण रोका गया, हम ये पता करना चाहते हैं कि प्रशासन ने क्यों किया। दूसरी बात, जो हमारे आज इलाके के विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उनको हमारी मदद करनी चाहिए। उनके बीच में कोई ऐसी बातें आ रही है तो कि आके यहाँ आकर के हमारी कोई विश्वास नहीं दे रहे कि भाई आपका बनवाएंगे, आप चिंतित रहे, लेकिन उनकी कोई प्रिटिशन कोई स्टेटमेंट नेताओं की तरफ से नहीं आ रही है। और ये लोग काफी दिनों से यहाँ बैठे हैं, पीछे 174 दिन तक बैठ चुके हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र खरब ने बताया कि सोमवार तक यदि यहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो ये कुछ बड़ा यहाँ किया जा सकता है। ठाकुर रतनलाल ने भी यहाँ पे ये बता दिया है कि रेल रोको अभियान तक यहाँ चलाया जा सकता है। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।